तो दोस्तों हर रोज़ की तरह आज भी मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर काफ़ी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2025 का सीज़न, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारे वीडियो मिस न कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज से दोस्तों डेली वीडियोस आने वाले मुंबई इंडियंस की टीम के ऊपर और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर हमारी जो न्यूज़ रहती है दोस्तों जेन्युइन न्यूज़ रहती है, ये तो आप सब जानते हो। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट दोस्तों रोहित शर्मा को लेकर आया है, जहाँ दोस्तों रोहित शर्मा ने अभी जो इंडिया और श्रीलंका के टीम के बीच में जो वन डे सीरीज हो रही है उसका जो पहला वन डे मैच खेला गया उसमें रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया टीम इंडिया के लिए। एक तरीके से कह ले तो रोहित शर्मा ने जो अपने 50 रन पहले लगाए हैं वो दोस्तों 32-33 गेंदों के अंदर लगा दिया है, जो कि दोस्तों T20 में भी कोई खिलाड़ी लगा नहीं पाता है जल्दी से। लेकिन रोहित शर्मा वन डे के अंदर भी T20 खेल रहे हैं और दोस्तों अगर ये मेगा ऑक्शन में जाती है तो 15 से 16 करोड़ रुपये में हमें इजीली दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के अंदर रोहित शर्मा बिकते हुए नजर आने वाले हैं। उसे आप लोगों के अकॉर्डिंग दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को रोहित शर्मा को अपनी टीम से रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपने रेकमेंड जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों इंडिया और जो दोस्तों श्रीलंका की वनडे सीरीज हो रही है वह हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिखा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अगर रोहित शर्मा की धमाकेदार बैटिंग देखना है तो और रोहित शर्मा को कौन सी टीम में ऑक्शन के अंदर खरीदेंगे वो सारी जानकारी हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट दोस्तों न्यू रूल को लेकर आए, जहां दोस्तों मेगा ऑक्शन में और आईपीएल 2025 में हमें न्यू रूल आते हुए नजर आया है। जी हाँ दोस्तों कौन सा रूल है दोस्तों मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर दोस्तों किसी भी टीम का ओवरसीज खिलाड़ी अगर मेगा ऑक्शन में नाम देता है और उसे कोई टीम खरीद लेती है, जैसे कि दोस्तों टीम डेविड अगर मेगा ऑक्शन में हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं और इनको अगर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम इस मेगा ऑक्शन में से खरीद कर अपने टीम के अंदर इंक्लूड कर लेती है, और अगर टीम डेविड आईपीएल 2025 का सीजन खेलने के लिए नहीं आती है, या फिर अगर आईपीएल 2025 के 2-3 मैचेस खेलते हैं और अपने पर्सनल रीजन के चलते हुए अगर आईपीएल 2025 से बाहर हो जाते हैं, तो फिर हमें दोस्तों दो साल का बैन लगते हुए टीम डेविड के ऊपर नजर आने वाला है। टीम डेविड नहीं बल्कि दोस्तों हर ओवरसीज खिलाड़ी अगर कोई भी ओवरसीज खिलाड़ी अपने पर्सनल रीजन के चलते हुए बाहर हो जाता है बिना किसी टीम को बताए हुए और वापस अपने देश चले जाता है, तो उस पर हमें दोस्तों 2 साल का बैन लगते हुए दिखने वाला है। तो काफी तगड़ा और काफी अच्छा नियम हमें दोस्तों BCCI लगाते हुए दोस्तों आईपीएल के अंदर लगाते हुए नियम नजर आया है। BCCI ने काफी अच्छा ये नियम रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमें देखने को मिला है कि हैरी ब्रूक और जेसन रॉय जैसे खिलाड़ी पैसे ले लेते हैं दोस्तों और टीमें इनको लेकर फंस जाती है, और ये दोस्तों अपने पर्सनल रीजन के चलते हमें ज़्यादातर बाहर होते हुए नजर आती है। और दोस्तों में अगर अगले बड़े अपडेट की बात की जाए तो अब अपने दोस्तों ऑक्शन डेट को लेकर हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे व्यूवर्स के कि ऑक्शन कब होने वाला है। दोस्तों हमें नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में ऑक्शन होते हुए नजर आएगा और फाइनल अपडेट आपको ऑक्शन की डेट से रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब।